तो हम कुछ ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, मुझे इसका यूनिक नंबर चाहिए। जो डेटा आपको दिख रहा है, मुझे इसमें यूनिक नंबर चाहिए, इसका यूनिक नंबर क्या है? इसका यूनिक नंबर लाने के लिए कई तरीके हैं। अगर मैनुअल बात करें तो हम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डेटा मेनू बार में हमारे पास होता है पेस्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आपका जो है यूनिक यहाँ दिख जाता है। दूसरा तरीका है, आप अगर डेटा मेनू बार में ही एक होता है एडवांस फिल्टर, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, तो यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड निकल जाता है। लेकिन क्या है कि मैं तीन कॉलम ले लिया, एक कॉलम अगर लेता हूँ फिर एडवांस फिल्टर करता हूँ यूनिक रिकॉर्ड ओनली और कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सारे लिस्ट आ जाता है, फिल्टर हो गया। लेकिन मैं कहीं और कॉपी करना चाहता हूँ तो भी हो सकता है, सेलेक्ट किया एडवांस फिल्टर कॉपी टू अनदर लोकेशन और हमने डाल दिया जहाँ लोकेशन करना है एंड देन यूनिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पे भी हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड आ गया। लेकिन ये सब चीज़ें वन टाइम होता है, लेकिन बाया फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है, लेटेस्ट एक्सेल है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यूनिक का। यूनिक यूनिक को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए अपना लिस्ट, ये आपके सामने यूनिक लिस्ट आपको दे देता है। लेकिन ये यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो जाके बेटर रहेगा। अब दूसरा इसमें है कि मुझे दो के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब कि मुझे कविता और रैम की सेल है, और कहाँ पे कविता और रैम की सेल हुई है वो दो कॉलम को मैच करना है, तो यहाँ भी आप यूनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और दो कॉलम को सेलेक्ट करें, दो कॉलम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको दे देगा। राइट सर, समझ में आया आपको? लेकिन अब मेरे पास यूनिक का फॉर्मूला नहीं है तो क्या, तब उस केस में क्या करें? यूनिक का फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने नेम के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लेते हैं, बी टू से लेके बी टू कॉमा बी, नीचे तक ड्रैग, हाँ नीचे तक ड्रैग करने से पहले एक काम और करेंगे हम यहाँ पे पहले वाले बी टू को फ्रीज कर देते और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर। इसमें क्या हुआ कि हर किसी को नंबर दे दिया, जैसे अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ, ये बिलो का लिस्टिंग में समझाया था आपको मैंने, तो वन, तो जितना वन वाला है वो मुझे उठा लेना है, तो वन भी कई बार रिपीटेड है, तो यहाँ हम एक और काउंट इफ का फॉर्मूला सेम लगाएंगे, लेकिन इस बार जो काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा वो बी टू पे लगेगा, मतलब कि जो काउंट उन्होंने लगाया उस पे लगेगा, और फिर इसको भी फ्रीज करेंगे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, और इसमें हम जो है एंपरसेंट लगाते हैं, डैश वापस एंपरसेंट, और हम वन को ही ले लेते हैं। अब यहां पे हम सीरियल नंबर देते हैं, वन दे दिया, और यहां हम लगाते हैं फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ इसके अंदर और वन को काउंट कर 9। तो यहां पे हम करते हैं इक्वल इफ ऊपर वाले में प्लस वन करने पे अगर ग्रेटर देन 9 है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ऊपर में प्लस वन कर, और फिर इसके अंदर हम ऊपर वाले L14 की जगह पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला दे देते हैं।
नीचे तक हम ड्रैग करते हैं। इफ एरर लगाना पड़ेगा क्योंकि एरर आ सकते हैं इसलिए। इफ एरर इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर, तो उतना ही सीरियल बना जितना हमें, जितना हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड्स है। अब यहां पे हमने कॉमा लगा दिया वी लुकअप का, वी लुकअप हमने वन के साथ एन परसेंट किया डैश अगेन वन और हमने यहां लुकअप कर लिया कॉमा थ्री और फिर इसको इसमें इफ एरर लगा लीजिए और नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। ओके सर, तो लिस्ट ऑफ अब नया नाम अगर मैं डालता हूं यहां पे, कोई मान लीजिए मैं नया नाम डाल दिया मैंने जैकी, सर जय नाम जैकी, एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? क्या ओके, तो ये सिंपल सी बात समझिए, मैं सिंपल सी बात क्या कंसेप्ट समझिए, हमने काउंटिंग लगाया और जितने भी नेम है सबका सीरियल नंबर ले लिया, जैसे कविता वन है और नीचे कहीं पे कविता होगा तो टू हो जाएगा, उसके नीचे थ्री हो जाएगा। अब मुझे इसमें से जितने वन है ना वो उसका रिकॉर्ड उठाना है, तो उसके लिए फिर इस वन के ऊपर हमने सेम काउंट इफ लगाया, तो वन जितना वन है उसकी काउंट आ गई, ठीक है, और उसकी काउंट हमने यहां पे डाला और यहां पे हमने रिकॉर्ड ले लिया, वीलुकअप लगा लिया, क्या मैं वीलुकअप लगाया हुआ लेकिन यहां यहाँ पे मैंने हमने उतना ही रिकॉर्ड दिया हुआ है जितना हमें चाहिए हो, समझ आया सर कि नहीं? ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि ये सीरियल नंबर जो यहां आ रहा है ना सर, मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड हो जाए, तो कैसे होगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रो का, रो में माइनस मैं फाइव कर दूंगा तो वन टू थ्री हो जाएगा, हो गया इस तरह से। अब मुझे इसमें कंडीशन लगाना है यहां पे कि इफ रो इज ग्रेटर देन 10 तो ब्लैंक, अदरवाइज रो माइनस 1 रो 5।
में हमने अपना काउंट इफ का फॉर्मूला दिया और जहां पे हमने 4 दे रखा है 4 को सिलेक्ट कर लिया। फिर वापस इस फॉर्मूले को हमने कॉपी किया और वी लुकअप में हमने जहां पे हमारा H6 है उसके जगह हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ, गई है। अब मैं इसको डिलीट करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से सर रिपोर्ट को ऑटोमेट किया जाता है, समझे सर? पुनीत जी रो नंबर दिखाता है, समझे? क्वेश्चन आता है कि मैं जिसे दो कॉलम को कैसे करूंगा, ये तो एक कॉलम वाला हो गया एग्जांपल, दो कॉलम एग्जांपल कैसे करूंगा? तो उसमें बिल्कुल जो है दो चीजों वाला एग्जांपल जो है बिल्कुल सेम है, बस इसमें नेम और प्रोडक्ट को आपस में कंबाइन कर देंगे, बाकी प्रोसीजर सेम है जो हमने यहां की इसमें की है, समझे? बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। और यहां जो आपने लगाया है यहां पे हमने यहां पे लगाया टॉप काउंटिंग, हमने इसको सिलेक्ट करके कॉमा वन कर दिया सीरियल नंबर में। यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला कि इफ रो माइनस 9 ग्रेटर देन 63 देन ब्लैंक, अदरवाइज रो माइनस 9 और J6 के ऊपर हम यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो 63 जो है इसका सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसके साथ 1 कंबाइन करेंगे और इसके बाद हम इसको लेके इसको सिलेक्ट करते हैं 3, 4, 4, 0 नेम आ गया। तो वापस कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, डाउट तो नहीं है ना?
इसकी प्रैक्टिस कीजिए सर, और वी लुकअप की प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं भेजी है सर। क्या नहीं, पुनीत जी ने भेजा है सिर्फ, आपका तो आया नहीं। हाँ पुनीत जी का आया हुआ है, आप लोगों का तो नहीं आया। हाँ अटेंडेंस वाला तो वो भी तो वीलू का भी कई चैप्टर था ना सर, अटेंडेंस में भी तो हमने वीलू का भी इस्तेमाल किया है ना, अभी तो वीलू का चैप्टर चल रहा है ना। ये जो दो तीन जैसे आज की एग्जाम्पल हो गई, जो कल की एग्जाम्पल हो गई, ये चीजें हमने बताया इसलिए ताकि पता चले कि वीलू का और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब आप सोच सकते थे कि यूनिक रिकॉर्ड निकालने के लिए वीलू का इस्तेमाल करेंगे आप क्या सर? एग्जाम्पल इसलिए हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा अभी यहां भी एक चीज और, अब आगे हम एक चीज और सिखाएंगे आपको, विदेश से छोटा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये दिख गया कि पूजा इसके अंदर है या नहीं है, हमने पता कर लिया, लेकिन मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू है। अब मुझे चेक करना है कि चारों इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, ये चीजें एरे के थ्रू होगी जो आगे हम सिखाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा फाइल चाहिए आपको? कल मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में क्लास लेने की सर, डैशबोर्ड की क्लास मैं सोच रहा हूँ लेने के लिए। ठीक है, मैं एक बार टाइम निकालता हूँ सुबह शाम का और मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। सर 9 बजे की तक, 9 बजे की तो फिलहाल वही है, 9:30 कर सकता हूँ। ठीक है, मंडे 9:30।